ऑन हो गया। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कटकमदाग प्रखंड में लगातार दो चोरियां हुई है आज, और लोगों का कहना है कि यहां पे लगातार चोरी से लोग परेशान हैं। आज बड़ी चोरी हुई है कटकमदाग के कपासी के पास, हम लोग आए हैं और आइए जानते हैं यहाँ के लोग से। लगातार लोग कॉल कर रहे हैं, सुबह से कॉल हो रहा है कि इतनी चोरी हो रही है। यहाँ पे मेरे पत्रकार यहाँ पे भावेश मिश्रा जी भी हैं जो यहीं रहते हैं, जो देख रहे हैं लगातार। आप यहीं के एरिया के हैं और कैसे चोरी हो? खबर मिला तब हम आए यहाँ पर अभी सुबह। आपका एरिया यही है जी, कैसे हो जा रहा है, कैसे चोरी हो रहा है? तो ये चोर जाने प्रशासन जाने, लेकिन ये प्रशासन की निष्क्रियता है। हमने लगातार प्रशासन को भी इतला किया है, अभी कुछ दिन पहले हमारे गाँव में भी चोरी हुई थी और चोर लगातार चोरी कर रहे हैं और पुलिस एक भी कांड का उद्भेदन अभी तक नहीं किया है। पुलिस की निष्क्रियता है। हम मीडिया वाले खबर दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इनके यहाँ चोरी हुई है, ये चोरियां हुई हैं, लेकिन चोर को पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल, पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मुखिया साहब हैं, बताइए क्या हुआ है सुबह में, क्या हुआ है? इन लोग चार पांच भाई हैं, छठ बीज गांव में मनाया जा रहा था। रात्रि में ये लोग सारे उठ के ठेकुआ बनाने के लिए पूरी रात जगे हुए थे। उसी दरमियान यहाँ मध्य रात्रि में चोरी हुई, ये पता तब चला जब लोग वहाँ से अपने घर आ गए। छठ घाट से यहाँ पे कल रात में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था यहाँ से 9:30 बजे रात ही लोग गए थे। और उसके बाद त्योहार के लिए वहाँ ठेकुआ बनाने के लिए लोग व्यस्त थे। अच्छा, सुबह जब छठ घाट से लोग वापस आए तो उस टाइम यहाँ पे रोना धोना सुन के लोग पब्लिक जुटी। अच्छा, हमें तुरंत खबर हुआ, हम यहाँ पे तुरंत पहुंचे तो इनका घर अस्त व्यस्त देख के बिल्कुल अवझल हो गए कि कैसे संभव हुआ। सात दरवाजा तोड़े गए, सात दरवाजा, हाँ, सब में लॉक लगा हुआ था। पहले भी यहाँ ऑटो का बैटरी चोरी हुई थी। अच्छा, इसलिए लोग अवगत थे कि इसको ऐसे ना छोड़ा जाए। उसके अलावा गोदरेज तोड़ा गया, जेवर माँ का, खुद वाइफ का, उसके साथ माँ है सो जमीन के पैसा दी थी, छठ के बाद बंटवारा होगा। इस तरह से 20 से 25 लाख का यहाँ पे घटना है। 20 से 25 लाख, यस। इसके साथ नवादा में सुदाम के यहाँ जो हुई घटना, वहाँ 10 से 15 लाख का घटना है। तो ये एक प्री प्लान लग रहा है हमें कि प्री प्लान के तहत यहाँ पे किया गया। देखना चाहेंगे अंदर, आ सकते हैं क्या है सिचुएशन। तो देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि सात दरवाजे तोड़ दिए, फिर 20 से 25 लाख, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोग छठ मनाने के लिए गए थे, हजारीबाग गए थे ना? नहीं नहीं, अच्छा बगल में ही, देखिए बगल में ही गए थे, बगल गांव में, और अपने ही गांव में गए थे और घर को पूरा ताला लॉक करके लोग छठ की त्योहार में पूरी तरह से अपने भाई के यहाँ गए थे। और देखिए उस दौरान जो है, देखिए सर ये प्रिंट है, इधर से लोग चौका, हाँ, अच्छा ये सब दाग है, पैरों का निशान है। हाँ, जेवर वहाँ जो फेंका वो नकली फेंक के लोग चले गए। अच्छा, नकली को भी पहचान लिया, शातिर चोर था क्या? नकली फेंक के वहाँ पे उससे वहाँ से कूदा है ना, कूदा, ठीक है। ये फ्रंट गेट इन लोगों ने पहले तोड़ा। अच्छा, यहाँ पहला गेट, इधर कैमरा मैन को मैं बोलूंगा थोड़ा गेट दिखाए, ये कैसे ताला लगा हुआ था, इसमें ताला लॉक था, ताला तोड़ दिया इसका, ये ताला तोड़ दिया, ये बंद है यहाँ। अच्छा, ताला रखा हुआ है, इतना छोटा ताला लगा हुआ था यहाँ पर, एक छोटा ताला लगा था अंदर में, अच्छा सब हेवी था। अच्छा, ये बंद हो गया, कहाँ पे है अंदर का ताला? अच्छा, अच्छा ये सब वो लोग सब तोड़ के गया है, सब बंद नहीं, सब बंद था ना? ये देखिए पूरा बैग बैग, पूरा एक एक चीज इन लोगों ने सारा कुछ चेक किया गया है ना। देखिए घर की ये तस्वीर है जिसमें ऐसा लग रहा है कि बैग से सारे जेवर निकाले गए हैं। यहाँ कौन है, आदमी कौन है इस घर का? आप है, आप बताइए क्या हुआ, कहाँ थे आप लोग, क्या हुआ? सर हम लोग छठ मनाने बड़ा भैया के यहाँ शाम को यहाँ से निकले, रात में वहाँ अपना पकवान उकान बनाने में रह गए, रात में यहाँ पे नहीं आ पाए। जब सुबह वहाँ हो गया, सुबह आए यहाँ पे कि चलो यहाँ भी पूजा पाठ करते हैं, घर द्वार साफ कर लेंगे, तो आके देखे पूरा घर मेरा दरवाजा खुला है। अच्छा, तो हम आनंद फानन में कुछ सोचे नहीं, बड़ा भैया को फोन किए, फिर स्थानीय मुखिया सलाउद्दीन को फोन किए कि हम आए यहाँ पे ऐसा ऐसा हाल है। मतलब यहाँ कितने बजे पहुँचे? हम लगभग कोई 7:30 बजे पहुँचे, 7:30 बजे, हाँ, और उसके पहले वही थे दूसरे गाँव में, हाँ, 8 किलोमीटर तक नहीं
नहीं, अपने गांव में बड़े भैया के। आप पता था किसी को कि आपके घर में कोई नहीं है, क्या था? नहीं, जानने वाले कोई ऐसा जान रहे थे? कैसे था? अगल बगल वाले तो ही है, अगल वाले तो देखे थे, मैडम गई उसके बाद, फिर हम शाम को गए बाइक से। तो अगल बगल वाले से पूछा नहीं क्या हुआ, कौन लोग आए? हाँ आए तो पूछे, देखो मेरे यहाँ ये बोला, हम अभी जान रहे, हमको पता नहीं, पता नहीं चला। तो एक लोग, एक आदमी तो नहीं होगा ना, बहुत लोग होंगे हमको ऐसा लग रहा है, सारे बता रहे हैं सात दरवाजा तोड़ के ले जाना। जैसे आए सारे लोग जमा हो गए मेरे साथ में, और सब हम लोग जैसे रोने पटकाने लगे कि इतना इतना ज्यादा संपत्ति चला गया, हतोत्साहित हो गए। तो सारे लोग फिर आए घर में, घुसे, इसके पहले देखे सारा का सारा, हम घुसे नहीं, सारे लोग साथ में ही घुसे। अच्छा। और देखे कि सारा सामान टूटा हुआ है, हम थे, रफा का भाई जी तो साथ में ही थे। हाँ, मतलब अब देखना क्या है, चोरी हो ही गया, कितना का चोरी हुआ होगा आपके हिसाब से? देखिए कुछ जमीन बेच करके, कुछ जमीन बेच करके, जमीन लेने के फेर में, अदल बदल करने के फेर में उसको पैसा देना था, वो मेरा लगभग 7.5 लाख रुपए तो गिना हुआ पैसा था। अच्छा। और घर में बैलेंस के लिए, घर में बैलेंस में वही 80-85 हजार रुपया मेरा था, माँ का, मेरे बाबूजी का देहांत कुछ दिन पहले ही हुआ है, उनका पैसा जो था माँ के अंडर में था, ये बक्सा में, ये रूम में थी, इसमें लगभग 5-5.5 लाख रुपया माँ के सेफ्टी के लिए उनका, कि आगे का दिक्कत ना हो, वो काम कराने के लिए गए थे, लेकिन हम लोग अपना से पैसा से काम करवाएं और माँ का पैसा कि सुरक्षित रहे, आगे भविष्य में काम आवे। अभी क्या स्थिति आए, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, FIR हुआ, क्या हुआ? अभी पुलिस के लिए रिपोर्ट लेके, एड्रेस लेके गई है, मतलब वो रिपोर्ट हो गया पुलिस में। हाँ, पुलिस रिपोर्ट आई थी, कुछ बयान भी लिया आपका? बयान लिया, एड्रेस पूछे और बयान लिए, देखे, पूरा देखे, लोकेशन चेक क्लिक किए कि ये आगे है पीछे, हम मुझसे नहीं पूछे कि कितना का पैसा या कितना का संपत्ति चोरी हुआ, ये सब कोई बातचीत नहीं की मेरे से। निचोड़ 20-25 लाख का नुकसान यहाँ हम लोगों ने सुबह ऐड किया था, क्योंकि माँ का भी, इनका वाइफ का, मोटा मोटा जो है हसली है, चूड़ी है, पुराना चांदी का है, माँ का सोना का भी है, चांदी का भी है। मेरी मैडम का हाल फिलहाल में शादी हुआ, लगभग हमको लगता है 10-15 लाख का, तो उसमें जेवर बनाए थे, तो उसको मतलब सब पूरा का पूरा घर ठीक से लॉक करके गए थे, एकदम पूरा डोर, बाहर डोर से लेकर के, अंदर डोर से लेकर के, बक्सा से लेकर के अलमीरा तक सब कुछ लॉक, सारा कुछ लॉक था एकदम कम्प्लीटली, क्योंकि पहले भी हो चुका था, इसे उसे हम अलर्ट थे, तो पहले हो चुका था, सारा कम्प्लीटली लॉक था, और सारे को लोग को कहीं काटा गया है, कहीं तोड़ा गया है, कहीं उचाड़ा गया है, देखिए पूरा ये बक्सा को देखिए, वो बक्सा को देखिए, टाई लगा ही हुआ है, मतलब यहाँ ये सर मेहनत किया गया, तोड़ा गया है ना, उसके बाद अच्छा यहाँ भी पूरा जो जेवर आप बोल रहे हैं, ये मेरा रूम है, वो माँ का रूम था। हाँ, अच्छा ये सारा जेवर यहाँ से निकाल, हाँ ये मेरा रूम था, ये सारा जेवर, मेरा कपड़ा, जेवर जितना भी था, उसमें पीतल का बर्तन जो था वो भी पूरा बर्तन उस बॉक्स से निकाल दिया, यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट वगैरह और पैसा वगैरह सब यहीं रखते थे, इस बैग में रखकर रखते थे कैश। अच्छा, पैसा चालू के लिए तोड़ दिया पूरा, पूरा अलमीरा ये सब देखे, पूरा टूटा हुआ, टेढ़ा हुआ, पूरा सब तोड़ करके ले गया। बिल्कुल, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसको पहले से पता होगा चोर को कि आपके घर में क्या क्या है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से इन्फॉर्मेशन है जी। यहाँ पे अड्डा है, कोई ना कोई देखा ही होगा और उस बात को नहीं समझ पाए कि इसने इतने बड़ी गलत हरकत हो का। मतलब घर आप 4 घंटा छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, इतना कंडीशन ऐसा हो गया है। तो गांव वाले अभी क्या करेंगे, मुखिया जी से थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे हम लोग कि आखिर गांव में जो चोरियां हो रही है कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने भी इंडिकेट किया था कि ये जो चौक है ना कपासी मोड़, ये एक ऐसा अड्डा बन गया है जो बिल्कुल क्रिमिनल अड्डा बन गया है। जितना भी शराबी हो, गांजा पीने वाले लोग हो, या जुआ खेलने वाले लोग हो, सब एकत्रित यहीं पे होते हैं। ये दूसरा घटना है, एक बार बैटरी चोरी हुई, फिर अभी घर में चोरी हुआ, और जो भी मामला होता है इसी चौक पे होता है। पुलिस को मैंने 2-4 विजिट पहले करा चुका था जब मैं पुराना मुखिया था। मैं चाहूंगा कि जहां भी अड्डाबाजी हो तो पुलिस वहां पे भ्रमण करे,
भ्रमण करके वहाँ थ्री ट्रेनिंग हो। आप देखिए पुलिस हर एरिया में पहुँच नहीं सकती है, यहाँ गांव वाले क्या कर सकते हैं ये बताइए। इसमें हम लोग जो पहला कदम उठाएंगे कि सामाजिक तौर पे इस पे विशेष ध्यान रखेंगे कि अड्डाबाजी यहाँ पे बंद हो। कैसे करेंगे? इनिशिएटिव लेंगे हम लोग, उनके पेरेंट्स को अवगत करेंगे, बैठक आयोजित करेंगे और बोलेंगे कि आपके आपका बेटा का ये व्यवहार है जिससे समाज दूषित हो रहा है, इसमें आप परिवर्तन लाइए, अदरवाइज हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए अभी हजारों हजार घर है, हमारे पास इतना पुलिस नहीं कि सब घर में जाके पहरा दे सके, पॉसिबल है नहीं है। अगर गांव में कुछ ऐसा कमेटी बन जाए जहां पे इस पर कैप लगाया जाए तो कैसे? इससे पहले हम लोग कमेटी बनाए थे, या कोई भी यहां कोई मसला होता है तो कमेटी ही, शांति समिति हमारा यहां पे है, वो इनिशिएटिव लेती है। होने से पहले रोका जाए, ऐसा कुछ बने, सीसीटीवी की आप लोग बात करें। हाँ, वो चौक पे सीसीटीवी हो, लेकिन मैं हो सकता है, मैं इसलिए फोर्स दे रहा था प्रशासन के लिए कि वो हर घरों का हिफाजत ना करे, लेकिन चौक में जहाँ अड्डाबाजी हो उसको थ्री ट्रेनिंग तो होना चाहिए ना सर। हम लोग घरों का देखभाल कर सकते हैं, लेकिन 10 गुंडा का मुकाबला असंभव जहाँ लग रहा है तो प्रशासन उसको थ्री ट्रेनिंग करे। हाँ। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ऐसा काम कर, ठीक है, पब्लिक तो उस पर मुठभेड़ नहीं कर सकती है ना, तो देयर इज नीड टू टेक द हेल्प ऑफ पुलिस ऑल्सो, वो तो जरूरी है। हाँ, उसके बिना तो हो गए। बाकी सामाजिक तौर पे वी आर रेडी कि हम लोग इस पे फाइंड आउट करें और इस पे संशोधन हो। बिल्कुल। और सीसीटीवी भी कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो होता तो आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। देखिए बनहा गांव देखे या आपका कुंडल बागे चौक देखे, इस तरह से 2-3 चौक, जैसे सर हमारा नरसिंह मंदिर चौक, 2-4 जगह चौक ऐसा है जो प्रशासन की मदद से या जिला प्रशासन की मदद से या मुखिया के मदद से अगर सीसीटीवी लग जाए तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कि उसमें हम लोग वो फायदा रोक नहीं पाएंगे, मतलब क्योंकि हर जगह आपको पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और अगर सीसीटीवी लगे तो एक जगह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखा जा सकता है। मतलब अब जरूरत है शहर से भी, जो गांव में हो रहा है चोरियां, हो रही है चोरियां, उसमें भी सीसीटीवी की जरूरत है ताकि लोगों पे ध्यान रखा जाए। पहले हम लोग गांव आते थे, अभी भी बहुत सारे गांव जाते हैं तो देखते हैं लोग ऐसे ही घर से बिना ताला लगाए ही निकल जाते हैं, चोरी का तो सवाल ही नहीं होता है। एक कम्युनिटी होता है गांव में जो देखभाल कर लेता है, गांव में कुछ भी होता है तो लोग देख लेते हैं और समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, आबादी कम होती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब गांव में भी ज़रूरत पड़ रही है सिक्योरिटी गार्ड की। अब शहर में जैसे रात में आता है एक आदमी जागते हुए कि जागते रहो और चोर भगाने के लिए एक आदमी रहता है। इससे पहले एक और घटना हुई थी, साबिर मियाँ का, जो एक्सीडेंट कहा गया, बट दैट वॉज कैंडली जस्ट परफेक्टली लाइक मर्डर। अच्छा, मतलब तो उस टाइम हम लोग अपील किए थे हमारे BDO साहिबा से कि सीसीटीवी का प्रबंध हर चौक में कराया जाए। अच्छा। क्योंकि इस इलाका से जो 12-14 चक्का गाड़ियां जाती हैं रात्रि में, तो चोरी तो हमारा एक मुद्दा है, लेकिन किसी को पिसल के कुचल के बच्चों को बुजुर्गों को निकल जाना ये आसान सा इलाका बन चुका है, क्योंकि ये मुकुंदगंज और बड़का गांव रोड को ये रोड कनेक्ट करती है। इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज टू नेसेसरी टू सेट अप सीसीटीवी। बिल्कुल। तो देखिए अब बहुत जरूरत है यहाँ पे। हाँ, क्या बोल? मेरा जितना सोना का, गला का सेट, मंगलसूत्र, कान का और पायल बिछिया जितना था हाथ में, सारा 7 लाख का जेवर मेरा सारा चुरा के ले गया। जितना दहेज में पीतल वाला बर्तन था सारा ले गए, और माँ का भी कुछ गला का हौसली सिकड़ी और कैश पैसा सारा का सारा चुरा के ले गया, और कैश पैसा मेरे पास भी था वो सारा चुरा के ले गया। एक तरफ आप लोग छठ मना रही थी और इधर देखिए आपके साथ ऐसा हो गया। हाँ, सारा का सारा चोरी। लड़का सब करता था तहाँ रह चाहे न, तो वही त्योहार नहीं गिर जा जे एक घंटा नहीं कुछ होते ही, का होते ही? बाकी एक एक घंटा निकाह कर ले तू, एक एक घंटा हाथ के कटक चांदी की चूरी है, घर हौसली डेढ़ पवर सिकरी उड़ के पाया पितराही सामान, लोटा थारी गमला यार परात तमड़ी खन्ना करेला, हम इनके सब पितरे न वो है न, से एक को कुछ नहीं बचल। अरे इतना हमार मालिक दे रखल थुन है, हाँ ऐसो मरल थुन मालिक 4-5 महीने भरन दे रखल थुन। देखिए देखिए इनके बात से ऐसा लग रहा है कि
चोरी जो इस तरह की होती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर होगा तभी वो जाने इनकी घर में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि गांव-गांव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई नया आदमी किसी के घर में घुस के कैसे चोरी कर लेता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग आज आए थे कटकम दाग के कपसी के गाँव के पास, हरहद बना के आस पास ये है, और दो चोरियाँ आज हुई हैं, एक और इसी के पास गाँव है वहाँ पर भी हुई है नवादा में, और लगातार चोरी से लोग परेशान हैं। ज़रूरत है एक यहाँ पे कमेटी बनाने की, और एक सीसीटीवी भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कैसे कैप लगाया जाए इस पर एक मंथन होना चाहिए, और गांव वाले मिलके करेंगे, नहीं तो ऐसी चोरियाँ लगातार होती रहेंगी, और चोर अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो लोगों का नुकसान इसी तरह से होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोगी तमीम पैदी के साथ, मैं फैज अनवर, जोहार, हज़ारीबाग।